Good morning students, welcome to your English classes. Today we are going to do our first chapter. The name of the chapter is Who Did Patrick's Homework? And the writer is Carol Murray. Before listening to me, just try to read with me, okay? So you will understand better. So let's start from first paragraph. Patrick never did homework. पैट्रिक अपना काम कभी नहीं करता था. टू बोरिंग ही सेड, वो उसे बहुत बोरिंग लगता था. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड. तो यहाँ पे निंटेंडो का मतलब दिया हुआ है कि वीडियो गेम, ठीक है. तो वो ज़्यादातर क्या करता था, हॉकी, बास्केटबॉल या फिर कोई वीडियो गेम्स मतलब खेलने के अंदर अपना टाइम वेस्ट कर देता था पढ़ाई की बजाय. हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग. उसके टीचर ज़्यादातर कहते रहते थे कि पैट्रिक तुम अपना होमवर्क किया करो वरना तुम कुछ भी सीख नहीं पाओगे. एंड इट्स ट्रू, समटाइम ही डिड फील लाइक एन इग्नॉर्मस. इग्नॉर्मस का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है अनएजुकेटेड. और ये पैट्रिक को कहीं ना कहीं सही भी लगता था क्योंकि ज़्यादातर पैट्रिक को ये फील होता रहता था कि उसे कुछ नहीं आता. क्योंकि ये चीज़ बट ऑब्वियस है कि अगर आप होमवर्क नहीं करोगे, आप स्टडी नहीं करोगे, तो आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी और आपको यही लगेगा कि मैं अनएजुकेटेड हूँ, ठीक है. बट व्हाट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क. लेकिन वो कर भी क्या सकता था, उसे होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद द लिटल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. एक दिन पैट्रिक को क्या लगा कि उसकी जो कैट है वो एक छोटी गुड़िया के साथ खेल रही है. एंड ही ग्रैब्ड, ग्रैब्ड का यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है नीचे वर्ड मीनिंग्स के अंदर. स्नैश्ड, स्नैश मतलब होता है छीनना, कोई चीज़ को किसी से छीन लेना. तो एक दिन पैट्रिक को क्या लगा कि जो उसकी कैट है वो एक लिटिल डॉल के साथ प्ले कर रही है और उसने उस कैट से वो डॉल छीन ली. टू हिज सरप्राइज़ इट वॉजेंट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टीनिएस्ट साइज. लेकिन उसे बहुत सरप्राइजिंग लगा कि जो डॉल थी जो उसने छीनी थी कैट से वो एक्चुअल में एक डॉल नहीं है, वो एक बहुत ही ज़्यादा छोटे साइज का आदमी था, मैन था. ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रीचेज एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच. उसने क्या मतलब जब पैट्रिक ने देखा, उस मैन को देखा, तो उसने कुछ वूल के फैब्रिक की शर्ट पहन रखी थी उसने, और एक बहुत ही ओल्ड फैशन मतलब पुराने टाइप में उसने कुछ ट्राउज़र्स पहन रखा था, नीचे छोटा ट्राउज़र पहन रखा था. एंड अ हाई टॉल हैट, और उसने एक हैट ले रखी थी अपने सर पे. टॉल मतलब लंबी ऊंची, उसने एक हैट ले रखी थी जस्ट लाइक विचेस. विचेस होती है वो वुमेंस जिनके पास एक सुपर पावर होती है, जस्ट लाइक बेसिकली अपने कार्टून वगैरह में देखते रहते हैं ऐसे वुमेंस को. सो उसे मतलब उसने एक इस टाइप की एक हैट ले रखी थी, टॉल हैट थी जैसे कि एक विच पहनती है उस टाइप में. ही येल्ड, येल्ड मतलब शाउटेड. ही येल्ड सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट. तो जो मैन था वो इतना छोटा था कि उस अगर वो आराम से बोलता तो शायद पैट्रिक को नहीं सुनाई देता, इसलिए उसने शाउटेड वे में कहा कि मुझे बचाओ, मुझे उस कैट को वापस मत देना. आई विल ग्रैंट यू अ विश, आई प्रोमिस यू दैट. और मैं तुम्हें एक मतलब जो तुम मुझे कहोगे कोई भी एक विश मैं वो पूरी करूँगा, और मतलब ये चीज़ का मैं तुम्हें प्रोमिस करता हूँ. सो फर्स्ट पैराग्राफ ओवर्स, और उसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं. ए, व्हाई डिड पैट्रिक डू नॉट हिज होमवर्क. सॉरी, व्हाई डिड पैट्रिक नॉट डू हिज होमवर्क. तो इसका आंसर है पैट्रिक नॉट डू हिज होमवर्क बिकॉज ही हेटेड होमवर्क. बी क्वेश्चन, व्हाट वॉज हिज कैट प्लेइंग विद. एंड द आंसर इज हिज कैट वॉज प्लेइंग विद अ डॉल. सी, व्हाई वॉज पैट्रिक सरप्राइज. पैट्रिक वॉज सरप्राइज टू सी दैट इट वॉज नॉट अ डॉल बट अ मैन ऑफ द टीनिएस्ट साइज. एंड डी, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स शाउटेड. अभी हमने जस्ट ही ये रीड आउट किया था, शाउटेड मीन्स येल्ड. शिफ्ट करते हैं सेकेंड पैराग्राफ पे. पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज. हेयर वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स. पैट्रिक को ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो कितना लकी होने वाला है, ठीक है. और मतलब उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनका आंसर अब उसे मिलने वाला था. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. तो पैट्रिक उस छोटे मैन को कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें
बचाऊंगा बट ऑब्वियस मैं तुम्हें सेव करूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरी एक विश पूरी करनी होगी, और वो विश ये है कि तुम्हें मेरा होमवर्क करना पड़ेगा जब तक सेमेस्टर ख़त्म नहीं होता, और सेमेस्टर ख़त्म होने तक के दिन सिर्फ 35 days थे। इफ़ यू डू अ गुड एनफ जॉब आई कुड इवन गेट A's, अगर तुम बहुत अच्छा काम करोगे तो मुझे जो होमवर्क में A ग्रेड मिलेगी। यहाँ पे A's जो है A'S, यहाँ पे वो एक वर्ड जो बेसिकली अपने को ग्रेड मिलती है A+ की या फिर A ग्रेड जो मिलती है उसे डिफाइन कर रहा है। द लिटल मैनस फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर, जो लिटिल मैन था उसका जो फेस था वो रिंकल्ड हो गया था। रिंकल्ड मतलब होता है कि लाइन्स सी आ जाना, मतलब फेस पे, जैसे कि बेसिकली जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं हमारे घर पे उनके जो फेस पे आती है जस्ट एक निराशा वाली सी, वैसे ही उसके फेस पे रिंकल्स हो गई थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कि एक डिश क्लोथ को जब अपने यूज़ करने के बाद उसे हैम्पर में फेंक देते हैं, जस्ट उसके जैसा सा उसका चेहरा हो रहा था। डिश क्लोथ होता है एक ऐसा क्लोथ जो कि बर्तन वगैरह जब अपने साफ़ करते हैं, वी वॉश द डिशेज उसे साफ़ करने के लिए, एंड हैम्पर है बॉक्स विद द लिड। ओके, एंड देन ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, ओ एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट। तो जब पैट्रिक ने उस ओल्ड मैन को ये कहा कि उसे उसका होमवर्क करना होगा 35 days तक, तो उसे जो लिटिल मैन है उसे थोड़ा गुस्सा आ गया, और उसे ये हुआ कि मतलब लाइफ सेव करने के बदले में कोई इतना जैसे होमवर्क करने जैसे कोई काम कैसे दे सकता है। सो वो गुस्से में उसने क्या किया, अपनी जो लेग्स थी उन्हें किक किया, और उस अपने हाथों को, दोनों हाथों को उसने फोल्ड किया टाइटली, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको मीनिंग भी दिए हुए हैं। फिस्ट का मतलब है अ हैंड विद द फिंगर्स क्लोज्ड टुगेदर टाइटली, और ग्रिमेस्ड का है ट्विस्टेड, स्कॉल्ड का है शोड एक्सप्रेशन ऑफ एंगर, पर्स्ड हिज लिप्स, प्रेस्ड लिप्स टुगेदर, और यहाँ पे कर्स्ड का मीनिंग आपको दिया है सेड रूड वर्ड्स। द होल मीनिंग ऑफ द लाइन इज कि उसने अपने लेग्स को किक किया और अपने हाथ को, मतलब दोनों हाथों को ज्वाइंट करके उसने एक ट्विस्ट लिया हाथों के अंदर टाइटली, और उसने एक एंगर वाला एक्सप्रेशन दिखाया अपने फेस पे, और अपने लिप्स को टाइटली प्रेस करके, और उसने रूड वर्ड्स में, बहुत ही अब्यूज वर्ड्स में उसने कहा कि ओके ठीक है मुझे करना होगा बट आई विल डू इट, मैं कर दूंगा। सो उसके बाद अपने इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। ए है व्हाट वाज पैट्रिक्स विश, पैट्रिक्स विश्ड द लिटिल मैन टू डू हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई डिड द लिटिल मैनस फेस रिंकल, एंड द आंसर इज द लिटिल मैनस फेस रिंकल इन एन ऑन हियरिंग पैट्रिक्स विश। क्वेश्चन नंबर सी, हाउ डिड द लिटिल मैन शो हिज एंगर, एंड द आंसर इज द लिटिल मैन शोड हिज एंगर बाय किकिंग हिज लेग्स, डबलिंग हिज फिस्ट एंड शोइंग हिज फेशियल एक्सप्रेशंस। The D is find one word from the passage which means a hand with the fingers closed tightly, together tightly. And the answer is fist. ये हमने पहले भी पढ़ लिया था paragraph के अंदर. So just move to the third paragraph. And true to his words that little elf began to do Patrick's homework, और अपने words पे true रहने उसे रहना ही था क्योंकि उसने ये कहा था कि मैं तुम्हारा काम करूँगा, और अपने शब्दों पे चलते हुए उसने Patrick का जो homework था वो करना start कर दिया। And the next, except there was one glitch. Glitch का मतलब होता है कोई fault होना या फिर कोई रुकावट होना, तो मतलब उसके ये था कि उसे homework करने में एक रुकावट आ रही थी। The elf didn't always know what to do and he needed help. जो elf था, जो छोटा आदमी था, उसे basically ये था कि उसे हर काम करना नहीं आता था, उसे जितना भी homework जो Patrick ने दिया था उसे करने के लिए वो चीज़ उसे करनी नहीं आती थी, तो उसे एक help चाहिए थी। तो उसने कहा help me he had said, and Patrick would have to help in whatever way. उस आदमी ने कहा कि help करो मेरी, तो पैट्रिक को बट ऑब्वियस था कि पैट्रिक को अपना होमवर्क करवाना था तो उसे हेल्प करनी ही थी,
कोई भी तरीके में. आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्विड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क. यहाँ पे ये जो स्क्विड है उसका मीनिंग है क्राइड या लाउडली मेड अ हाई साउंड. ठीक है, तो जो एल्फ था, जो लिटिल मैन था, उसे होमवर्क करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी और उसने होमवर्क करते हुए एक कहा कि मुझे इस वर्ड का नहीं पता. और बहुत ही मतलब उसने एक शाउटेड, एक बहुत ही लाउड वॉइस के अंदर पैट्रिक को कहा था, गेट मी अ डिक्शनरी, नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर. तो जब उसने ये कहा कि मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता, तो तुम मुझे एक डिक्शनरी ला के दो. उसने पैट्रिक को कहा कि मुझे एक डिक्शनरी ला के दो. तो आगे इसमें आपको मीनिंग में दिया हुआ है, डिक्शनरी का मीनिंग बता दूँ मैं आपको यहाँ पे, बुक ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स एटसेट्रा, लुकअप इज सर्च एंड साउंड इट आउट इज प्रनंस. प्रनंस मतलब बोलना, साउंड करना. जब उसने कहा कि पैट्रिक को कहा कि मुझे एक डिक्शनरी ला के दो एंड नॉट व्हाट इवन नो व्हाट्स इवन बेटर, मतलब कि वैसे ज़्यादा बेटर तो यही रहेगा कि मैं उसमें सर्च करूं और उसे मतलब लाउडली प्रनाउंस करूं ताकि वो चीज़ मुझे याद हो जाए. ठीक है, सो इसके क्वेश्चंस अगेन, व्हाई डिड द लिटिल एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. And answer is, a little elf had promised to fulfill Patrick's one wish, so he began to do his homework as per his wish. Second, what was the glitch? The elf did not always know what to do and he needed help. The C is, why did the elf need a dictionary? The elf needed a dictionary because he did not know the meaning of words and to find the words from the passage which means search. बेसिकली हमने ऊपर सर्च का मीनिंग पढ़ा था जो कि था लुकअप. शिफ्ट टू द फोर्थ पैराग्राफ. सो व्हेन इट केम टू मैथ्स, पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक. जब होमवर्क करते करते वो मैथ्स सब्जेक्ट पे आया, तो पैट्रिक का जो लक था, जो उसकी किस्मत थी, वो एकदम से बंद हो गई. ठीक है, अनलकी हो गया. यहाँ पे मीनिंग भी दिया हुआ है. व्हाट आर टाइम टेबल्स, द एल्फ श्रिग्ड. तो जो एल्फ था, जो छोटा आदमी था, उसने बहुत ही श्रिग का मतलब होता है यहाँ पे स्क्रीम्ड, स्क्रीमिंग्स वॉइस में कहा कि व्हाट आर टाइम टेबल्स, टाइम टेबल्स क्या होता है. वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन एंड फ्रैक्शंस. तो उसने कहा कि हमें ज़्यादातर इसकी नीड बेसिकली नहीं होती, नेवर नीड दैट. और ये सब सब्ट्रैक्शंस, एडिशंस और जो डिवीज़न और फ्रैक्शंस हैं, ये चीज़ें मतलब ये भी क्यों यूज़ होती हैं या क्या है. तो नेक्स्ट, हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी. तो पैट्रिक ने कहा कि तुम जस्ट मेरे साइड में, बिसाइड में बैठो और मुझे सिर्फ गाइड करो, नथिंग एल्स. एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री टू देम इट्स अ मिस्ट्री. तो जो एल्फ्स था, उसे कुछ भी ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में नहीं पता था और उसके लिए सब कुछ एक मिस्ट्री था. मिस्ट्री मतलब सीक्रेट. तो सब कुछ एक मिस्ट्री की तरह था, एक सीक्रेट की तरह था कि ये चीज़ क्या होती है. सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर. जो लिटिल एल्फ था वो ऑलरेडी काफ़ी ज़ोर से बोल रहा था और अब वो और भी ज़्यादा लाउडली बोलने लगा. गो टू लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू. तो उसने, एल्फ ने कहा कि तुम लाइब्रेरी में जाओ, मेरे लिए बुक्स लेके आओ, क्योंकि मुझे बुक्स की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स लेके आना और तुम मेरी हेल्प करो उन्हें रीड करने में. सो इसकी क्वेश्चंस है, व्हाट डिड द एल्फ्स नेवर नीड, द एल्फ्स नेवर नीडेड टाइम टेबल्स. बी, व्हाई मस्ट पैट्रिक गाइड द एल्फ, पैट्रिक मस्ट गाइड द एल्फ बिकॉज ही obviously elf did not know how to do Patrick's homework. See, question is, how was human history a mystery for elves? And the answer is, elves knew nothing of human history, so it was a mystery for them. And the D is, find the word from the passage which means shrieked. Shrieked ka abhi apna ne padha tha, that answer is screamed. So shift to the next page, next paragraph.
पैराग्राफ नंबर 5. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग. तो एक फैक्ट की तरह एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि हर दिन हर तरह जो लिटिल एल्फ जो था वो ट्रबल्स में आ रहा था. तो यहाँ पे बेसिकली मीनिंग भी दिया हुआ है, मैटर ऑफ फैक्ट इज इन रियलिटी, रियलिटी में, एंड नैग मीन्स वन हु ट्रबल्स रेगुलरली. तो जो एल्फ था वो डेली हर दिन हर एक अलग अलग वे के अंदर उसे ट्रबल्स आ रहे थे बिकॉज उसे कुछ भी नहीं पता था स्टडी के बारे में, एंड उसे अपने वर्ड्स पे भी रहना था तो वो पैट्रिक का होमवर्क भी कर रहा था. पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज एट अ ड्रैग. जो पैट्रिक था वो दिनों दिन बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा था और उसके लिए ये बहुत ही बोरिंग होता जा रहा था. और मतलब बेसिकली जो उसका बहुत बोरिंग सा था जो उसके लिए वो आज हार्ड वर्क कर रहा था. ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लरी. यहाँ पे बेसिकली मीनिंग स्टे अप का दिया हुआ है, टू वेक अवेक, कीप अवेक सॉरी, एंड वेरी इज टायर्ड पफ्ड स्वेल्ड अप blurry of eyes with unclear vision and slowly is unseen. वो तो बाद में कर लेंगे. सो बेसिकली इस मीनिंग इस लाइन का मीनिंग ये है कि वो काफ़ी अवेक रहता था, मतलब जागता था काफ़ी देर रात तक वो जागता था, एंड नेवर फेल्ट सो वेरी, और उसे बहुत मतलब ये चीज़ टायर्ड नहीं लग रही थी अब, उसे ये चीज़ आलस सी वाली सी वैसी नहीं लग रही थी, एंड वो स्कूल भी जा रहा था और उसकी आईज जो थी वो बहुत ही अनक्लियर विजन के साथ थी बिकॉज नींद नहीं पूरी हो रही थी, तो बट ऑब्वियस अनक्लियर विजन था उसकी आईज के अंदर. नेक्स्ट, फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो. फाइनली जो लास्ट डे था 35th डे ऑफ सेमेस्टर आ गया था और जो एल्फ था जो लिटिल मैन था वो फ्री था जाने के लिए, क्योंकि उसकी जो एक उसने विश का कहा था पैट्रिक को वो विश उसकी पूरी होने वाली थी. एज़ फॉर होमवर्क देर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर. एज़ फॉर होमवर्क मतलब होमवर्क को देखा जाए तो उसने जो अपनी जो जबान दी थी कि मैं तुम्हारा सारा होमवर्क करूँगा, तो 35th जो डे था सेमेस्टर का उस दिन कोई भी होमवर्क नहीं था करने को. तो उसने जो एल्फ था वो बहुत ही शांति से और बहुत ही रिलैक्सली और वो बिना किसी को ये शो करते हुए कि वो जा रहा है, वो धीरे से पीछे के दरवाजे से जा चुका था. इसके क्वेश्चंस हैं, व्हाई वाज द लिटिल एल्फ अ नैग, एंड द आंसर इज इट वाज सो बिकॉज ही केप्ट ऑन शाउटिंग फॉर हेल्प ऑल द टाइम. The B is, why was Patrick working harder? And our answer is, Patrick was working harder to help the elf in doing his homework. C question is, how was Patrick working harder? Answer is, he was staying up at nights. He went to school tired with puffy and blurry eyes. And D is, find the word from the passage which means tired. And the tired means is weary. So, shift to the next paragraph, 6th. Patrick got his A's, his classmates were amazed, his teacher smiled and were full of praise. जो Patrick था उसे finally जो last day था result का day था school का, तो उस दिन उसे A plus grade मिली, ठीक है. और उसके classmates जो थे बहुत ही amazed हो गए थे, बहुत ही एकदम से उन्हें के लिए सब कुछ shocking था, क्योंकि जो Patrick कभी homework करता ही नहीं था. और उन टीचर्स के लिए भी वो बहुत शॉकिंग था, क्योंकि सबको पता था कि पैट्रिक जो है वो कभी अपना होमवर्क नहीं करता, कभी अपनी स्टडी नहीं करता, तो उसकी ए प्लस ग्रेड आना इम्पॉसिबल था. लेकिन ये जो पैट्रिक था उसने ए प्लस ग्रेड ली, तो उसके टीचर्स और उसके क्लासमेट्स के लिए बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ थी. बट द टीचर्स जो थे उसके, उन्होंने बहुत ही स्माइलिंग से फेस से उसकी प्रेज़ की, उसकी तारीफ़ की पैट्रिक की. एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स के लिए क्या चीज़ थी वो देखते हैं. दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन्ड टू पैट्रिक. वो बहुत ही सरप्राइजिंगली ये चीज़ उन्हें लगी कि पैट्रिक जो है उसके साथ क्या हुआ है, मतलब पैट्रिक की ए प्लस ग्रेड आना उसके पेरेंट्स के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग नेचर था. ही वॉज नाउ द मॉडल किड.
तो अब जो पैट्रिक था वो बहुत ही आइडियल किड बन चुका था। मतलब वो सारे स्कूल में और उसके जो सराउंडिंग्स थी वहाँ पे पैट्रिक की पहले एक इमेज थी कि ये पढ़ता नहीं है, इसकी ए प्लस ग्रेड नहीं आ सकती, या मतलब ये अपना होमवर्क नहीं करता, हर टाइम खेलने में अपना टाइम वेस्ट करता है। लेकिन अब जो पैट्रिक था आफ्टर द स्कूल रिजल्ट, जो पैट्रिक था उसकी एक नई ही इमेज बन चुकी थी पूरे स्कूल के अंदर और पूरी सराउंडिंग्स के अंदर। तो वो सबके लिए एक आइडियल स्टूडेंट बन चुका था कि मतलब आइडियल होता है कि हम किसी चीज़ को देख के मोटिवेट होते हैं। वो चीज़ क्लीन हिज रूम, डिड हिज कोर्स एंड वॉज चीयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। अब जो पैट्रिक का जो नेचर था वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका था, और उसने अपना जो रूम था वो हमेशा साफ रखता था अब वो, और अपना जो कोर्स मतलब होता है डेली के जो काम होते हैं वो भी पूरा करता था। बहुत ही चीयरफुल हैप्पीली उसका रहता था, कभी वो अपने रूड नेचर में नहीं आता था, कभी भी वो इल मैनर्ड में नहीं आता था, सबकी वो मैनर्स सबसे वो मैनर से बात करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, उस ऐसा लग रहा था कि उसने एक नया ही एटीट्यूड मतलब एक नया ही नेचर क्रिएट कर लिया है। लास्ट इज़ यू सी इन द एंड, पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। और हम ये देखते हैं एंड में कि जो पैट्रिक है वो अभी भी सोच रहा है कि उसने जो अपना होमवर्क था वो एक टाइनी जो मैन था, जो एल्फ था, उससे करवाया। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, लेकिन मैं एक सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे और मेरे बीच में। इट वॉज़न्ट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, लेकिन वो एल्फ नहीं था जो उसने उसका काम किया, वो पैट्रिक खुद ने किया था। और ये हमने पहले पढ़ा भी था ऊपर पैराग्राफ में कि जो पैट्रिक था वो होमवर्क जो पैट्रिक है वो खुद करता था, लेकिन जो एल्फ है वो सिर्फ उसकी हेल्प करता था। किस वे में, कि सबसे पहले उन्होंने यही चीज़ पढ़ी थी कि जो एल्फ है उसने कहा था कि मैं तुम्हारा काम नहीं कर सक मतलब बेसिकली उसे समझ नहीं आ रहा था, तो वो कह रहा था कि मुझसे ये नहीं हो रहा, तुम मेरी हेल्प करवा दो। और पैट्रिक ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करवा दूंगा। एंड आफ्टर दैट पैट्रिक लिखने का काम जो था, होमवर्क जो था, वो पैट्रिक खुद करता था, लेकिन जो एल्फ है वो सिर्फ उसके हर चीज़ को गाइड करता था कि ये ऐसा करो या ऐसा करो। और इसे हमें लास्ट में ये चीज़ पता भी है कि जो एल्फ था उसने एक्चुअल में होमवर्क नहीं किया था, एक्चुअल जो होमवर्क हुआ था वो पैट्रिक ने खुद ने किया था, और उसकी वजह से उसे लास्ट में अपने कह सकते हैं कि उसे लास्ट में इस चीज़ का मिल रिज़ल्ट भी मिल गया था कि उसकी ए प्लस ग्रेड भी आ चुकी थी। अब इसके क्वेश्चंस देखें। क्वेश्चन ए है, हाउ डिड पैट्रिक्स टीचर रिएक्ट व्हेन ही गॉट एज, पैट्रिक के टीचर्स का कैसा रिएक्शन था? सो द आंसर इज़ पैट्रिक्स टीचर स्माइल्ड एंड प्रेज्ड हिम। द बी क्वेश्चन इज़ व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ पैट्रिक्स पेरेंट्स। आंसर इज़ पैट्रिक्स पेरेंट्स पेरेंट्स वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू हिम, हु एक्चुअली डिड पैट्रिक्स होमवर्क। एक्चुअली पैट्रिक हिमसेल्फ डिड ऑल हिज होमवर्क। एंड द लास्ट इज फाइंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड बिगनिंग फ्रॉम द पैसेज, एंड द आंसर इज एंड। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग मी।